हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पुरानी यूनिवर्सिटी जौनपुर से एफिलेटेड कॉलेज TDPG कॉलेज से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है। जहाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे TDPG कॉलेज में 10 अगस्त को कला संकाय और विज्ञान संकाय में पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। तो आइए बच्चों, इसी पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपको TDPG कॉलेज से भी रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। जैसा स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि TDPG कॉलेज से बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं महाविद्यालय के सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परीक्षा 2022-23 में BSc कृषि और LLB, जैसा आप सबको मालूम है कि 10 अगस्त को BSc एग्रीकल्चर का और LLB का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसके कारण 10 अगस्त को बुधवार को कला संकाय और विज्ञान संकाय का पठन पाठन स्थगित रहेगा। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो 10 अगस्त को आप लोग का कला संकाय और विज्ञान संकाय में पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उन लोग का पठन पाठन भी 10 अगस्त को ही स्थगित रहेगा, क्योंकि उस दिन आप लोग BEd MEd का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जिसकी वजह से PG बिल्डिंग की संकाय PG संकाय आप लोग का स्थगित रहेगा। तो आपका कि 10 अगस्त को आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सभी फैकल्टियां क्लोज रहेंगी। किंतु इसके साथ आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है, जो एक्सटर्नल एग्जाम मिड टर्म एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज में हो रही है, वो आपके मिड टर्म एग्जाम यथावत चलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है या किसी एग्जाम चल रहा है तो हम लोग का मिड टर्म एग्जाम तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग का मिड टर्म एग्जाम जैसे पहले से शेड्यूल्ड है, वो वैसे ही मिड टर्म एग्जाम आपका होता रहेगा। सिर्फ आप लोग की जो पठन पाठन के कार्य रहेंगे वही स्थगित किए गए हैं। आपको एक बार पुनः हम बताएंगे कि जो 10 अगस्त को BSc कृषि और LLB का एंट्रेंस एग्जाम होने की वजह से और BEd सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो MEd सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने की वजह से 10 अगस्त को आपका PG बिल्डिंग भी में पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आ रही है, तो सभी स्टूडेंट्स इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।